आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज व्हाट इज द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इन द कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H6 एंड N4। तो इस कंपाउंड में हमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बतानी है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है? बेसिकली हमारा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो हमें इस केस में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स बाय टू प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बाय टू प्लस वन। सो यहाँ पे एन है जो वो क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो यहाँ से हम जो फॉर्मूला गिवन है हमें C9H6 एंड N4, यहाँ से हम वैल्यूज उठाएंगे। तो कार्बन एटम्स कितने हो गए हमारे पास 9 माइनस H6, तो हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम्स कितने हो गए हमारे पास 6, क्योंकि हैलोजन एटम्स तो है ही नहीं, बाय टू प्लस नाइट्रोजन एटम्स हमें गिवन है 4, तो 4 बाय टू प्लस 1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9। सो हमारी जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो क्या आ जाती है 9। दिस इज डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फॉर दिस कंपाउंड C9H6 एंड N4। वैसे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 9 आई है, इसका मतलब क्या है कि इसके पास 9 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं और अनसेचुरेशन इसकी कैसी होगी, इक्विवेलेंट टू 9 डबल बॉन्ड्स। मतलब कि ये इतना अनसेचुरेटेड होगा जितना 9 डबल बॉन्ड्स किसी कंपाउंड में होते हैं। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।